नमस्कार, मैं दिलीप कुमार यादव, आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। कल हमने प्रोटोप्लाज्म तक पढ़ लिया था, अब आज हम पढ़ेंगे क्या? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? कोशिका झिल्ली। देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली, इसको किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, प्लाज्मा लेम्मा हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये सभी किसको बोला जाता है? तो कोशिका झिल्ली को ही बोला जाता है। और ये पाई कहाँ जाती है? तो ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों में पाई जाती है। तो दोनों पे पाई जाती है। और ये कैसी होती है? तो सजीव झिल्ली होती है, मतलब लिविंग मेम्ब्रेन है। और इसकी मोटाई कितनी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 75 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये कैसी होती है? तो नेचर में, अगर इसकी नेचर की बात किया जाए कि सेमी परमीबल होती है या परमीबल, तो ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ? कि ये अपने से कुछ सेलेक्टिव पदार्थों को ही अपने से, यानी बाहर आने देती है। तो जैसे, यानी कि कुछ छोटे पदार्थ होंगे, छोटे होंगे मॉलिक्यूल्स, तो उनको अंदर आने देगी, और जो उनके बड़े होंगे तो उनको नहीं आने देती है। ठीक, मतलब सेलेक्टिव पदार्थ ही अंदर अंदर बाहर आ सकते हैं। ठीक, और ये बने किसकी होती है? तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड से, तथा कुछ इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मेन क्या पाया जाता है? मेन मुख्यतः ये किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ठीक, और ये क्या काम करती है, इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? तो जो सेल होती है, तो सेल को एक निश्चित शेप में निश्चित आकार देने का प्रदान करती है। जैसे जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो इनका जो शेप बनता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स ये कहलाते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बने किसके हुए होते हैं? सेल के। तो इनका आकार, मैंने कल बताया था कि जो सेल होती हैं उनकी कोशिकाओं का आकार किसके आधार पे तय करता है? कार्यों के आधार पे। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उनको एक निश्चित आकार देने का भी काम करती है, उसके साथ साथ उनको सेफ्टी देने का, मतलब सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और साथ ही यह क्या करती है? सेलेक्टिव पदार्थों, मतलब चयनात्मक पदार्थों का परिवहन भी करती है। जैसे क्यों? क्योंकि यह कैसी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एक, यानी कि पहले तो कई सारे मॉडल दिए गए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। एक मॉडल सक्सेस हुआ, किसका? सिंगर एवं निकोलसन का। सिंगर एवं निकोलसन ने कब दिया था? 1972 में यह मॉडल दिया था। क्या दिया था? फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल अब होता क्या है? तो फ्लूइड मोजेक मॉडल कहलाता है कि देखो कि इसमें जो ये फॉस्फोलिपिड है, ये क्या होता है? ये फॉस्फोलिपिड है, ये क्या है? लिक्विड में बहते हुए पाया जाता है। ठीक, बहते हुए नहीं, सॉरी, तैरते हुए पाया जाता है। ठीक, ये क्या कहलाता है? फॉस्फोलिपिड है। और ये क्या है? प्रोटीन है। तो देखो, जैसे कोई अपन एक टब लिए, टब में क्या किए कि आइस बर्फ, बर्फ जो होता है ना, बर्फ को डाले और पानी को हिलाए, तो क्या करता है कि वह पानी के साथ साथ ही वह क्या करता है, ऐसे ऐसे फैलता हुआ रहता है ना, बहता है, पानी के साथ साथ ही बहता है। तो सेम जो फॉस्फोलिपिड भी होता है, वह कैसे होता है कि लिक्विड में जो पदार्थ हो, तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ में यह तैरते हुए पाया जाता है। ठीक, और उसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन मोजेक शेप में, मोजेक अरेंज में अरेंज होती है। अब मोजेक अरेंज क्या होता है, मोजेक शेप क्या होता है? जैसे
अगर आप पुराने घर देखे होंगे, कई अभी देखने को मिलते हैं पुराने घर, तो पत्थर के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये इतना प्रचलन नहीं था कि ईंट बनाए फिर ईंट से जो घर बनते हैं, लेकिन पहले क्या था, पत्थरों के घर बने हुए होते थे। तो पत्थर का तो कोई आकार होता नहीं, इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं। तो जो इरेगुलर शेप से एक यानी एक दीवार बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोजेक शेप बोलते हैं, मतलब जो इरेगुलर शेप में। तो देखो जो प्रोटीन भी है वह इरेगुलर शेप में कहीं भी फिट हो जाती है। तो वही बताया गया है इसमें कि एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड में जो फॉस्फोलिपिड होता है वह तैरते हुए पाया जाता है, और उसमें जो प्रोटीन होती है वो मोजेक शेप में अरेंज होती है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोग को कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वह तैरते हुए किसी तरल पदार्थ में तैरते हुए पाया जाता है, और जो उसमें प्रोटीन होता है वह एक मोजेक शेप में अरेंज होता है। ठीक, अब जो ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट हुए, कौन कौन से? एक ये हुआ हेड और दूसरा होता है ये दूसरा टेल। तो जो हेड होता है वह किसका बना हुआ होता है, फॉस्फेट का, और जो टेल होता है ये टू फैटी एसिड का बना हुआ होता है, मतलब वसी अम्ल का बना हुआ होता है, और ये फास्फेट ग्रुप से बना हुआ होता है। तो जो ये हेड पार्ट होता है, तो हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, मतलब कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर से अट्रैक्ट करता है। ठीक, और जो ये टेल पार्ट होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर रिपल्सन होता है, ये वाटर से क्रिया नहीं करता, वाटर से दूर भागता है। कौन? टेल पार्ट। और जो हेड पार्ट होता है वह वाटर के यानी वाटर के पास जाता है, उसे अट्रैक्ट करता है। तो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया आप लोग के? यहां तक क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, कोशिका झिल्ली के कार। तो कोशिका झिल्ली के कार क्या है? सबसे पहला है पदार्थों का अभिगमन करना, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। तो पदार्थों का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? तो इसमें एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसमें पदार्थों का अभिगमन होता है। ठीक, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा है क्या, पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस क्या है? देखो जो पदार्थों का अभिगमन है वह एक पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के रूप में होता है। तो पिनोसाइटोसिस, तो पिनोसाइटोसिस मतलब क्या, जब फ्लूइड पदार्थों का अभिगमन करना, मतलब या फ्लूइड पदार्थों को जब तरल पदार्थों को लेता है, ठीक, अंदर लेता है, तो क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। इसी को अपन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। ठीक, जब तरल पदार्थों को ले तो क्या कहलाता है, सेल ड्रिंकिंग, और जब ठोस पदार्थों को अंदर ले तो वो क्या कहलाता है, सेल ईटिंग, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर आप लोगों को? आते हैं क्या, निश्चित आकार। ये पदार्थों का तो अभिगमन कराती है, उसके साथ साथ क्या करती है, एक निश्चित शेप भी प्रदान करती है। जैसा अभी हमने उसके जब पढ़ रहे थे फंक्शन कैरेक्टर के बारे में, तो उसमें हमने बताया कि क्या होता है, यह एक निश्चित आकार भी प्रदान करती है। ठीक, तो यह क्या करती है, कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। अगला है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल को ही क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक, यह पाई कहाँ जाती है, तो जैसे देखो कोई एक कोशिका होगी, ठीक, तो ये जो कोशिका की ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। ठीक, मतलब यह कोशिका के बाहर पाए जाने वाला आवरण है। तो जो कोशिका का सबसे ऊपरी आवरण, जो बाहर आवरण पाया जाता है, वह क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। और यह किसमें किसमें पाई जाती है, तो यह पौधों में, बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक, और अगर बात करें हम एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में जो सेल वॉल होती है वह कैसी यानी एब्सेंट होती है, उसमें एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। ये सबसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि सेल वॉल क्या जंतुओं में पाई जाती है या नहीं, तो जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक, अब बात करेंगे हम कि जो सेल वॉल होती है प्लांट में बनी किसकी किसकी होती है, तो सेल्यूलोज की, हेमिसेल्यूलोज की और पेक्टिन की बनी होती है, और लिग्निन की भी बनी होती है। ठीक, फंगस की बात करें तो फंगस में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। ठीक,
और अगर हम इसकी शेप की बात करें, मोटाई की बात करें, तो देखो जो सेल वॉल होती है, यानी कि उसके वह किस में पाई जा रही है, पौधे में पाई जा रही है या फंगस में पाई जा रही है या बैक्टीरिया में पाई जा रही है, तो उसके आधार पे जो उसकी मोटाई होती है वह कैसी होती है, अलग अलग होती है। और मेन अगर हो सकती है तो कितनी हो सकती है, तो 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है इसकी मोटाई, ठीक। और ये क्या काम करती है, तो ये कोश का कोई रिजिडी दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है, कठोरता प्रदान करने का काम करती है, ठीक। और जो सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है, सेल वॉल कैसे बनती है, तो सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, लिपिड से, प्रोटीन से, लिग्निन से एवं क्यूटिन से बनी हुई होती है, ठीक। तो सेल वॉल किस किस से मिलकर के बनती है, तो सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन, लिग्निन एवं क्यूटिन। अगला है कि देखो सेल वॉल 3 परतों से निर्मित होती है, कौन कौन, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला। तो देखो अगर आप कोई भी सेल देखे होंगे तो उसमें क्या 3 लेयर दिखाई देंगी, कौन, एक मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला कहलाती है, फिर ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी सेल वॉल, और इसके अंदर होती है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक। देखो इसमें ये प्राइमरी मिडिल लैमेला ये कहलाती है अपनी क्या, प्राइमरी सेल वॉल, और ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल के भी 3 टाइप्स होते हैं, एक हो गया S1, S2 और S3, ठीक। अब एक एक से समझते हैं कि मिडिल लैमिला क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है। तो देखो सबसे पहले क्या मिडिल लैमिला, तो मिडिल लैमिला क्या काम करने के काम करती है, देखो जैसे सीमेंट, सीमेंट आप लोग जानते हैं, सीमेंट क्या काम करने का करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक, मजबूती प्रदान करने का काम करती है। देखो ना अपन लोग घर किससे जोड़ते हैं, सीमेंट से, तो सीमेंट क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। तो वैसे ही सेम जो मिडिल लैमिला है वह क्या करती है, वह एक सीमेंटिक लेयर होती है, मतलब जोड़ने का काम करती है। देखो ये मिडिल लैमिला पाई है, यानी एक दूसरे से फलों को जो या एक दूसरे को जोड़े रखती है, ये मिडिल लैमिला है। आउटर लेयर क्या कहला रही है, मिडिल लैमिला, एक दूसरे को जोड़ रही है ना, ऐसे ही एक और बन जाएगा, एक तो जोड़ने का काम करती है। अब जो जोड़ने का काम कर रही है, आखिर उसमें पाया क्या जाता है, तो वो जोड़ेगी, तो उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, जिसकी मदद से वह जोड़ने का काम करती है। और जो मिडिल लैमिला है वह मेनली पाई किस में जाती है, तो ये केवल कच्चे फलों में पाई जाती है। और ये अगर जब देखो जब कच्चा फल होता है तो क्या होता है, कठोर होता है। हमने यहाँ पे बात किया ना कि जो ये सेल वॉल होती है क्या करती है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, कठोरता मतलब रिजिडिटी। एक तो क्या है कि देखो कच्चे फल होंगे तो कठोर होंगे, तो मिडिल लैमिला उसमें पाई जाएगी, लेकिन क्या होता है जैसे ही फल पकता है तो मिडिल लैमिला क्या हो जाती है, उसमें घुल जाती है, मतलब गायब हो जाती है, मतलब जिसकी वजह से फल क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, यह पहली सत्य सेल वॉल कहलाती है, पहली ट्रू सेल वॉल कहलाती है, और यह पाई कहाँ जाती है, तो मिडिल लैमिला के नीचे पाई जाती है, ठीक। और ये कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, मतलब ये पतली होती है, इलास्टिसिटी मतलब इसको हम खींच सकते हैं। और ये बनी किसकी किसकी होती है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वह सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और ये किसमें उपस्थित होती है, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू और पैरेन्काइमेटस टिश्यू में उपस्थित होती है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू मतलब जो विभाज्य ऊतक, ऊतक जिसको अपन जो विभाजित होते रहते हैं, और जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है उसमें उपस्थित होती है, कौन, प्राइमरी सेल वॉल। बात करें अब हम किसकी, सेकेंडरी सेल वॉल की, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वह 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है, हमने जस्ट ऊपर दिखाया, देखो यहाँ पे ये कितने परतों से, S1, S2, S3, कौन, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वह कितने परतों से, 3 परतों से, जो S1 होती है वह आउटर लेयर होती है, जो S2 होती है वह मिडिल लेयर, और जो S3 होती है वह इनर लेयर कहलाती है, ठीक। और यह पाई किस में जाती है,
तो ये रूट में और स्टेम के एपेक्स पार्ट पे, जो उनका एपेक्स मतलब जैसे देखो ये तना हुआ ठीक, तो उसके एपेक्स पार्ट पे, एपेक्स पार्ट पे कौन पाई जाती है, तो सेकेंडरी सलवाल पाई जाती है ठीक। और यह होती कैसी है, तो थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती है, मतलब मोटी होती है और नॉन इलास्टिक मतलब कठोर, यानी कि उसको हम खींच नहीं सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, न्यूक्लियस की, केंद्रक की। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन किसी का? तो न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में किया था ठीक। इसको जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल्स के नाम से भी जानता है, या इसको अपन कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र भी माना जाता है, कंट्रोल सेंटर, किसको, न्यूक्लियस को। और ये होते किस आकार में पाए जाते हैं, तो जो केंद्रक होता है वह अंडाकार होता है, गोलाकार, चपटे, और यानी कि और भी कई शेप में पाए जा सकते हैं ठीक। अब जो न्यूक्लियस होता है ये चार पार्ट्स में डिवाइड होता है ठीक, कौन कौन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, जो ये इसकी सबसे आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है ठीक। क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है एक। और न्यूक्लियोलस केंद्रिका जो इसके अंदर ये पाई जाती है ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियोलस कहलाती है ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसमें केंद्रक के अंदर जो एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है वह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने कल बताया था एक क्या, साइटोप्लाज्म बताया था और एक न्यूक्लियोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लाज्म पढ़ा रहे थे तब उसी में हमने बताया था कि एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है वह न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। अगला क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को ही क्रोमोसोम बोल देते हैं। क्रोमेटिन अभी क्या है, धागे के रूप में यानी उलझा हुआ पाया जाता है। जब यही क्रोमेटिन क्या होगा कि एक संघनित हो जाएगा और एक छड़ का रूप ले लेगा, वो क्रोमोसोम कहलाता है ठीक। जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसपे, इस पे क्रोमेटिन पे डिटेल से अपन समझ लेंगे। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो केंद्रक के निम्नलिखित चार भाग होते हैं कौन कौन से, पहला हो गया केंद्रक झिल्ली जिसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज हर्ट विंग ने किया था। और केंद्रक के चारों ओर एक महीन मेम्ब्रेन होती है, कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक। और ये दो परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। देखो ये कैसे, अभी हमने बताया ना कि ये कैसी है, दो परतों से मिलकर के बनी हुई है, ऐसे ऐसे बनी हुई है ना, तो एक और दो, कैसे, दो परतों से मिलकर के बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा ना, ये कितने, दो परतों से मिलकर के बनी हुई है। प्रत्येक झिल्ली एक यूनिट मेम्ब्रेन को प्रदर्शित करती है, तो जो एक मेम्ब्रेन है जैसे ये प्रत्येक झिल्ली ये क्या करती है, एक यूनिट मेम्ब्रेन को प्रदर्शित करती है। और ये कितनी मोटी होती है, तो ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म की जो केंद्रक द्रव है, तो केंद्रक दल द्रव जो होता है यानी एक कैसा होता है, पारदर्शी होता है ठीक, परमेबल होता है। और कैसा होता है, अर्ध तरल मतलब सेमी लिक्विड होता है, मतलब मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है, एवं कण की मैट्रिक्स होता है वही ठीक, जिसे केंद्रक द्रव या केंद्रक रस या न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। किसको, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसको और क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप भी बोलते, सैप बोलते हैं, केंद्रक रस जिसको कहते हैं। और जो केंद्रक द्रव है तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये अपने आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, ये सभी पाए जाते हैं ठीक। अगला है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इसकी खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियोलस की खोज फॉन्टेना ने की थी। ये क्या कहलाती है, तो केंद्रक में एक या अधिक सघन गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे न्यूक्लियोलस केंद्रिका कहते हैं ठीक। और इसमें होता क्या है, तो इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण कहते हैं ठीक। आरएनए जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को क्या, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है।
जो आरएनए का सिंथेसिस, राइबोसोम के लिए जो आरएनए का संश्लेषण होता है, मतलब आरएनए सिंथेसिस, तो वह कहाँ होती है? तो न्यूक्लियोलस में होता है, केंद्रिका में होता है, ठीक। अगला है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? केंद्र में, केंद्रक में अत्यधिक फैली व विस्तृत धागे नुमा संरचना पाई जाती है। जैसे हमने जस्ट अभी पहले ही बताया कि ये कैसी है, धागे यानी फैली हुई संरचना है, इसी को क्रोमेटिन जाल कहा जाता है, ठीक। और जब ये क्या होती है, जब यही जो जो ये संरचना यानी धागे के रूप में पाई है या एक छड़ के रूप में आ जाएगी, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक। ये क्या होती है, केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है, एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे क्रोमेटिन रेटिकुलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कहते हैं। और जो क्रोमेटिन होती है वह किससे बनी हुई होती है? तो जो क्रोमेटिन है वह डीएनए से बनी संरचना होती है, ठीक। और कोशिका विभाजन के समय ये धागे सिकुड़कर छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। मैंने जस्ट बताया ना कि जो ये जैसे अभी कैसे पाई जाती है, ऐसे पाई हुई है, ठीक। लेकिन जब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन में ये सिकुड़ के छोटे और मोटे हो जाते हैं ऐसे, और क्या कहते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इनको क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक। समझ में आ गया कि जो क्रोमेटिन है यह अभी धागे के रूप में संरचना है, फिर जब क्या होगा, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, तो उस समय ये सिकुड़कर छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसको अपन क्रोमोसोम बोला जाता है। चलिए अब क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है। तो देखो, जो क्रोमोसोम शब्द है, क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। कब किया था? 1888 में किया था, ठीक। और अगर इसकी खोज की बात की जाए, तो खोज किसने किया था? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1882 में। तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वाल्डेयर ने किया था। और अगर इसकी खोज की बात की जाए, तो खोज जो है वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। अब अगर इसकी अवलोकन की बात किया जाए कि प्रथम बार सर्वप्रथम क्रोमोसोम को किसने देखा, किसने अवलोकन किया था, तो वह किसने किया था? हाफमिस्टर ने किया था। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि उसका शब्द सबसे पहले किसने दिया, वाल्डर ने, वाल्डेयर ने, और खोज किसने किया, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने, और सबसे पहले देखा किसने या अवलोकन किसने किया, तो हाफ मिस्टर ने किया था, ठीक। और अगर हम बात करें कि जैसे मैं मनुष्य हूं और कोई बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, तो क्या सभी में क्रोमोसोम की संख्या निर्धारित होती है? तो नहीं। तो सभी प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है, कोई निर्धारण नहीं होता, ठीक। और ये क्या करती है, कायिक या सोमैटिक कोशिकाओं में यह डिप्लॉयड होती है। तो जो सोमेटिक सेल्स होती है, कायिक कोशिकाएं, ठीक, उसमें कैसी होती है, डिप्लॉयड के रूप में पाई जाती है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, तो जनन कोशिकाओं में कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है, अगुणित होती है, मतलब आधी होती है। और डिप्लॉयड मतलब क्या होता है, द्विगुणित, मतलब यानी दुगुनी होती है, ठीक। और अगर बात करें सबसे कम क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो सबसे कम क्रोमोसोम जो है एस्कैरिस में पाया जाता है, और सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो रेडियो लेरिया में पाया जाता है। सबसे कम क्रोमोसोम एस्कैरिस में कितना होते हैं, 2 क्रोमोसोम, और जो सबसे अधिक क्रोमोसोम रेडियो लेरिया है, तो उसमें कितने पाए जाते हैं, 1600 होता है। ये 2 अनडिप्लॉयड की संख्या बता रहे हैं, ठीक, ये ध्यान देना। विभिन्न जीवों में क्रोमोसोम की संख्या, तो देखो ये जो एनसीईआरटी में दिया है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस जीव में कितने क्रोमोसोम है, तो इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है, मतलब उसको पूछ सकते हैं वो, इसलिए हमें हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को पकड़ के रखना है, ताकि वो हमसे छूट ना जाए, भाग ना जाए, है ना। देखो, मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं, घरेलू मक्खी में 12, मेढक में 26, गोरिल्ला में 48, मक्का में 20, जो मेज होता है ना उसमें 20, मटर उसमें 14, अमीबा में 250, रेडियो लेरिया जिसमें सबसे अधिक, ठीक, सबसे अधिक हमने पहले लिख दिया है, चलो सबसे अधिक किसमें, रेडियो लेरिया में कितने, 1600, ड्रोसोफिला में 8, खरगोश में 44, चावल में कितने होते हैं, जो धान है उसमें 24, चना में 16 और गेहूं में 42,
तो ये इतना ध्यान रख लोगे, पढ़ लोगे इसको। ठीक, अब है अगला क्या। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कितने होते हैं, 2n की संख्या कितनी बताई हुई थी, उसमें 46 बताई हुई थी। तो कितने जोड़े हैं, इसको अगर डिवाइड करें दो तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा, मतलब 23 जोड़े हैं। तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से क्या होता है, जो 22 जोड़े होते हैं वह कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और जो एक जोड़ा होता है वह क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, लैंगिक क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण यही एक क्रोमोसोम से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का आएगा कि लड़की आएगी। ठीक, तो लैंगिक गुणसूत्र कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से, एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई। तो पुरुष में कौन कौन से होते हैं, तो पुरुष में एक्स और वाई होता है और महिलाओं में एक्स एक्स के रूप में होते हैं। ठीक, कई बार क्या होता है कि किसी की लड़की लड़की पैदा होती हैं तो क्या बोलते हैं कि ये महिला को दोष देते हैं, जबकि महिला को दोष उसमें कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में तो क्या है, एक्स एक्स है, उससे निर्धारण नहीं हो रहा है। निर्धारण किससे हो रहा है, पुरुषों के गुणसूत्रों से निर्धारण होता है। ठीक, तो देखो जब एक्स एक्स और एक्स वाई, तो जब एक्स एक्स होगा तो एक्स एक्स, और जब एक्स और वाई तो एक्स वाई, मतलब ये पुरुष मेल और ये फीमेल। तो किससे निर्धारण हो रहा है, पुरुष के गुणसूत्रों से निर्धारण होता है। तो महिलाओं को कभी दोष मत देना। ठीक, तो ये क्रोमोसोम की संरचना है कि सबसे ऊपर लेयर क्या कहलाता है, पेलिकल, फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये मैट्रिक्स है, और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो सेंट्रोमियर का रूप धारण रूप ले लेते हैं, और ये सैटेलाइट ऊपर उसका हेड पार्ट कहलाता है, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। देखो, जो क्रोमोसोम के दोनों अंतिम सिरों को क्या कहते हैं, टीलोमेयर कहते हैं, और क्रोमोसोम क्रोमोसोम में जीन कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और जीन जीवों के गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो जीन होते हैं वे क्या करते हैं कि जैसे मेरे में कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ मेरी वाइफ के में जो कैरेक्टर होंगे, तो ये जीन क्या करते हैं, उन कैरेक्टरों को एक दूसरे में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित, मतलब ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कौन? जीन, जिसके कारण क्रोमोसोम की वंशगति का व्हीकल ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है। तो क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, मतलब वंशागति का वाहक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो हमारे गुण है, कैरेक्टर है, उसको क्या करते हैं, अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक, क्रोमोसोम मुक्त कैसे होते हैं, यानी क्रोमोसोम में क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसमें डीएनए होता है। डीएनए कितना होता है, लगभग 40% हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसमें 50% ये होते हैं। आरएनए 1.5%, अम्ल इसमें 8% और अन्य पदार्थ 0.5% होते हैं। ठीक, और जो जीन होते हैं, जीन क्या है, ये केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से डीएनए होते हैं। ठीक, डीएनए को ही क्या बोला जाता है, जीन कहा जाता है। अगला है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, तो जब इसको न्यूक्लियस से अलग किया गया, तो जॉन फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। किसने? जॉन फ्रेडरिक मिशर ने। जब केंद्रक से न्यूक्लिक एसिड को अलग किया गया तो उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिन दिया गया था नाम। और ये कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से, कौन कौन, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये किसके किसके बने हुए होते हैं, तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, फास्फेट ग्रुप इसमें फास्फेट पाया जाता है। ठीक, अब न्यूक्लिया जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह पॉली न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला का बना होता है। मतलब कई सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तब क्या बनता है, एक न्यूक्लिक अम्ल बनता है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड, और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनते हैं। वही जस्ट अभी मैंने बताया कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है,
किसे पॉलीन्यूक्लियो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कई न्यूक्लियोटाइड से या न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बनता है, सॉरी इस पे मिस हो गया। ठीक, अब जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, तो सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड कई न्यूक्लियोटाइड से, हाँ बिल्कुल सही है ये। ठीक, अब एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, शर्करा पाई जाती है, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक, तो इसमें शुगर कौन सी पाई जाती है, तो शुगर जी इसमें होती है पेंटोज होती है, और तो पेंटोज शुगर में डीएनए में जो होती है वह डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, और आरएनए में कैसी होती है, राइबोज शर्करा होती है। ठीक, और अगर नाइट्रोजन क्षार की बात किया जाए, नाइट्रोजन बेस, तो इसमें दो प्रकार से होते हैं, पहले हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया क्या, पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, एक होता है एडिनिन, दूसरा गुआनिन, और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरोसिल। ठीक, तो डीएनए में कौन कौन से, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, और आरएनए में तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, थायमिन की जगह, या कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि आरएनए में, या कभी ऐसा पूछ लेगा कि डीएनए में इनमें से कौन सा, वो नहीं पाया जाता है, पिरिमिडिन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल दे देगा। तो ये कंफर्म होना चाहिए कि डीएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो डीएनए में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं, और आरएनए में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, और उसके अलावा देखो, पहला हो गया पेंटोज शुगर, दूसरा हो गया नाइट्रोजन बेस और तीसरा हो गया फॉस्फेट ग्रुप 3O4। ठीक, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। अब अगला क्या पढ़ेंगे, डीएनए एंड आरएनए, चलो समय है पढ़ लेते हैं। लगा हुआ है, तो डीएनए, डीएनए कैसा है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें रेड दिख रहा नहीं दिख रहा, येलो से तो लिखा ही है, चलो ग्रीन यूज कर ले रहा, ग्रीन भी नहीं दिख रहा। व्हाइट भी नहीं दिख रहा, देखो चलो डीएनए जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म हमने अभी पहले बताया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए कैसा है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है, और यह प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बना देता है, क्रोमोसोम की रचना बनाता है, यानी क्रोमोसोम बना देता है, कौन, डीएनए। ठीक, यह कोशिका के जस्ट अभी हमने बताया था ना कि जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन कैसे, यानी धागे के रूप में पाया जाता है, वही क्या कहलाता है, फिर जब आगे बढ़ के आगे जब यानी सेल डिवीजन होता है उसमें, फिर वो केंद्रक का रूप यानी डीएनए का रूप दे ले ले लेता है, तो यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला हुआ पाया जाता है। हमने बताया ना जो क्रोमेटिन होता है वही डीएनए कहलाता है। डीएनए के कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। तो डीएनए जो होता है, देखो अगर हम एनिमल्स की बात की जाए, तो एनिमल्स में मेनली किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी सॉरी सॉरी न्यूक्लियस में पाया जाता है, सब लोगों को मालूम है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी किसमें पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है डीएनए की। ठीक, और जो डीएनए है वह कैसा होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि ये क्या करता है, जो हमारे कैरेक्टर हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण काम करने का काम करता है, ठीक, ट्रांसफर करने का काम करता है।
और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें डीएनए कैसा होता है, लंबा होता है, अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है, सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है, ठीक। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा होता है, तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक, कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा होता है, लंबा होता है, अशाखित होता है, स्पाइरल होता है ना। अब डीएनए किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है वो बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बताया था कि वह शर्करा, इसमें कौन कौन सी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, ठीक। यहाँ पे हमने गलती की, H3PO4 होगा, वही हमें भी लग रहा था। तो देखो जो डीएनए होता है वह किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक, शर्करा हो गया और फास्फोरिक अम्ल। नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन क्षार है, इसमें कौन कौन से दो होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक, पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में कौन कौन से, एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन। और अगर हम शर्करा की बात करें तो कौन सी शुगर पाई जाती है, पेंटोज शुगर पाई जाती है, ठीक। और ये डीएनए, अच्छा डीएनए पढ़ रहे हैं पहले, चार्गर प्रोलोल। चार्गर प्रोलोल क्या होता है, देखो जो चार्गर प्रोलोल है इसको सबसे पहले कब दिया गया था, 1950 में दिया गया था, ठीक। तो ये क्या बताती है कि जो डीएनए अणु में प्रोलिन और पिरिमिडिन की संख्या है वह आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो एडिनिन प्लस थायमिन उस बराबर किसके होती है, ग्वानिन प्लस साइटोसिन के, या कि फिर हम बोल दें या एडिनिन बराबर ग्वानिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन या थाइमिन, ठीक, या इसी को फॉर्मूला एडिनिन प्लस थाइमिन ग्वानिन प्लस साइटोसिन बराबर एक। जैसे कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि एडिनिन की संख्या कितनी है, 30 है, तो एडिनिन की संख्या इतनी है और थाइमिन की संख्या कितनी है, 12 है, तो ग्वानिन व साइटोसिन की संख्या याद कीजिए। तो अपन अगर मालूम है कि एडिनिन प्लस थाइमिन क्या होता है, 30 प्लस 12 कितनी हो जाएगी, 42। तो अपन बता देंगे कि जो ग्वानिन व साइटोसिन की संख्या है वह कितनी होगी, 42 होगी, ठीक। डीएनए स्ट्रक्चर, तो जो डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए संरचना, उसको किसने दिया था, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसको किसने दिया था, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो इसमें देखो क्या बताया था कि देखो ये डीएनए होता है, ये कैसे होता है, यानी डबल कुंडली, तो द्विकुंडलित होता है, ठीक। तो उसमें एडिनिन एवं थायमिन आपस में परस्पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो देखो जो एडिनिन है और थायमिन ये किससे, कितने दो बॉन्डों से जुड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन जो साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं ये कितने, ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके बनते हैं, ठीक, कितने, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। और यह आपस में सर्पिल क्रम में लिखी लिपटी होती है, कैसी, सर्पिलाकार लिपटी हुई होती है, ठीक, ऐसी है ना। और एक श्रृंखलाओं के एक टर्न को में कितने 24 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो जो ये, तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है तो कितनी होती है,
तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए के डबल स्ट्रैंड दुई कुंडल का अगर व्यास की बात की जाए तो जो डीएनए के दुई कुंडलित व्यास है वह कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक 20 एंगस्ट्रॉम होता है। द्वि कुंडलित डीएनए पौधों जंतु एवं कुछ वायरस जैसे पेलियोमा वायरस में भी पाया जाता है। तो जो डीएनए कैसा होता है, द्वि कुंडलित होगा, तो यह किसमें पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है और कुछ वायरस में पाया जाता है, ठीक। और अगर बात करें, देखो पौधे जंतुओं और कुछ वायरस में कैसे होता है, द्वि कुंडलित होता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें, जो बैक्टीरियोफेज 5x174 होता है, बैक्टीरियोफेज का एक टाइप है, तो उसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड का होता है, एकल कुंडलित होता है, ठीक। ये समझ में आया। और वायरस में जो देखो आरएनए या डीएनए होता है, जबकि पौधे जंतु कुछ बैक्टीरिया में आरएनए व डीएनए दोनों पाया जाता है, ठीक। वायरस में या कि आरएनए ही होगा या कि फिर डीएनए होगा, लेकिन पौधे और जंतुओं में या कुछ बैक्टीरियो में क्या होता है कि आरएनए व डीएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक। हम बात करेंगे हम किसकी, आरएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये कैसा होता है, तो एकल कुंडलित होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ एकल कुंडलित संरचना होती है, ठीक। एकल कुंडलित होता है और कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, तो मुख्य रूप से जब प्रोटीन का निर्माण होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसमें भाग लेता है। हमने बताया था प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। तो राइबोसोम में जो क्या होता है, न्यूक्लियोलस जब हम पढ़ा रहे थे तो न्यूक्लियोलस में पढ़ा रहे थे ना कि राइबोसोम के लिए आरएनए का सिंथेसिस वही होता है। तो आरएनए का सिंथेसिस यानी किसके लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए ही तो कर रहा था वो सिंथेसिस, तो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। और ये क्या होता है, गैर अनुवांशिक पदार्थ होता है, नॉन हेरिडेटरी मटेरियल, मतलब जो हमारे कैरेक्टर है, गुण है, तो उनको संचरित करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है या नहीं, तो आरएनए नहीं करता है। तो यह कैसा होता है, गैर अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक। लेकिन ये सभी में तो नॉन हेरिडेटरी मटेरियल के रूप में काम करता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें ये अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जैसे क्या है, टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस, तो उसमें क्या करता है, टीएमबी वायरस जो होता है उसमें यह अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। एक दिन हमने क्वेश्चन पूछा था ना कि सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा था, तो यही है, टीएमबी वायरस है सबसे पहला खोजा गया वायरस। और किसने खोज किया था, तो आइवान विंसकी ने किया था, ठीक। अब जो आरएनए का निर्माण है किस किस से होता है, वही पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल। तो जो शुगर होती है वह कैसे होती है, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन बेस। तो इसमें प्यूरिन पहला हो गया, प्यूरिन, और दूसरा हो गया पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में कौन कौन से, एडिनिन और ग्वानिन आ गया, और पिरिमिडिन में साइटोसिन या यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल, या नहीं। और जो डीएनए है, डीएनए में क्या था, साइटोसिन और थायमिन, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरेसिल। इस पे ज्यादा पॉइंट करना, ठीक, इसको कई बच्चे भूल जाते हैं बार बार। तो नाइट्रोजन बेस पिरिमिडिन में आरएनए में क्या क्या पाए जाते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल। अब आरएनए के टाइप्स की बात किया जाए, तो आरएनए कितने प्रकार से होता है, आरएनए तीन प्रकार से होता है, कौन कौन से, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, इसको बांटा किसने था, तो सिंपर ने इसको तीन भागों में बांटा था, क्या क्या, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। अब समझते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के बारे में देखते हैं। तो इसकी खोज, जो मैसेंजर आरएनए का नाम है वह किसने दिया था, जैकब व मोनार्ड ने दिया था। और ये मैसेंजर आरएनए, जो एमआरएनए, ये काम कर क्या काम करता है, तो जो डीएनए में सूचनाएं होती हैं, ठीक, तो उन सूचनाओं को जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थान में लाने का काम करता है, जहां पे प्रोटीन संश्लेषण होता है। आप लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये पढ़े हैं, तो जब प्रोटीन
संश्लेषण होता है, तो वहां पे लाने का काम डीएनए, जो डीएनए में सूचना है तो उनको लाने का काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए करता है, एमआरएनए, ठीक। और यह आरएनए का कितने परसेंट भाग होता है, 3 से लेकर के 5% भाग तक होता है। अगला है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए क्या है, यह कोशिका द्रव्य में कणों के रूप में बिखरा हुआ पाया जाता है और यह आरएनए का 80% भाग होता है। कितने परसेंट होता है, 80%। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो होता है केंद्रक के केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में होता है। हमने पढ़े थे ना कि जब राइबोसोम के लिए आरएनए सिंथेसिस का काम होता है ना, और यह संरचनात्मक संगठन में सहायता करता है, जो संरचना प्रदान होती है ना, तो उसमें संगठन संरचनात्मक संगठन में यह हेल्प करता है, कौन, राइबोसोमल आरएनए। अगला है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, टीआरएनए, ठीक। तो यह सबसे छोटा आरएनए होता है और यह अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पे लाने का काम करता है। देखो, जो मैसेंजर आरएनए थे वो क्या कर रहा, किसको लाने का काम कर रहा था, जो डीएनए में नहीं सूचनाएं थी उनको लाने का काम कर रहा था, कौन, मैसेंजर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए किसको लाने का काम कर रहा है, तो ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो अम्ल है, तो अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर लाने का काम करता है। और यह पूरे कंप्लीट आरएनए का कितने परसेंट भाग होता है, 10 से 20% होता है। अगला है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका में केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियर कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन के बीच जो द्रवयुक्त पदार्थ होता है या भाग होता है उसको कोशिका द्रव कहलाता है। हमने प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से, एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो क्या बताया था कि जब न्यूक्लियस और उसके सेल मेम्ब्रेन के बीच यानी कोशिका के बीच, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें कई कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, लवण, जल, एंजाइम, ये सभी किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो कोलिकर ने किया था। कब किया था, 1880 में किया था। और उन्होंने इसे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किस में देखा था, तो सबसे पहले कीटों की मांसपेशियों में देखा गया था, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है, डबल मेम्ब्रेन होती है या सिंगल मेम्ब्रेन, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। देखो, एक ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक। ये आउटर मेम्ब्रेन कहला रही है और ये इनर मेम्ब्रेन कहला रही है, तो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, तो लगभग 3.5 माइक्रोमीटर होती है, तथा इसका व्यास जो होता है 0.2 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक, माइक्रोन तक होता है, ठीक। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये खोखली एवं बेलनाकार रचना होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई पाई जाती है, ठीक। और ये क्या करती है, तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत से श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, रेस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा क्या करती है, एटीपी बनाती है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। और इसका मुख्य कार्य जो है वो क्या करना है, यानी श्वसन क्रिया को संपादित करना है। श्वसन क्रिया, जब तक श्वसन नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जो श्वसन को कौन संपादित करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पढ़ा था ना, जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ा रहा था, तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, तो यूकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, तो वह कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। मैंने बताया जैसे कि अभी ये दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरी रहती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके क्या होते हैं, मैट्रिक्स पाए जाते हैं। तो जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम और कई एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के, जब वो मैट्रिक्स होता है उसमें।
और इसके अंदर क्या होते हैं, झिल्ली की तरफ टेनिस के रैकेट के समान समान संरचना होती है जिसे ऑक्सीसोम या F1 कड़ कहते हैं। देखो ये टेनिस के समान एक रॉकेट के समान एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल कहा जाता है। ये येलो कलर से बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिख रहा ना, ये देखो ये येलो येलो कलर से यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा ना, तो इसको क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल बोला जाता है। सॉरी, देखो माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को और कई नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से, सबसे पहला नाम तो ये काफी लोग जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, एक एटीपी फैक्ट्री ऑफ सेल्स, मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनेलीज, मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनेलीज, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली, सेल विद इन अ सेल, एंडो सिम्बायोटिस ऑफ सेल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के नेम है। और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाती है, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाती है, किसी को मालूम है क्या, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाती है, तो वह किसमें पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है, ठीक, तभी वो फ्लाइंग बर्ड्स में पाई जाती है, तभी वो उड़ पाती हैं। ठीक, अगला है लवक प्लास्टिड, तो जो लवक होता है प्लास्टिड ये सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और उसके अलावा भी कुछ जो प्रोटोजोआ है जैसे यूक्लिना है तो उसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें एनिमल में तो एनिमल में ये प्लास्टिड लवक नहीं पाया जाता है, ठीक, और ये कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग होता है, कौन, प्लास्टिड लवक। और यह होता कैसे है, तो चपटा होता है और वृत्ताकार के रूप में पाया जाता है, ठीक। अब इसमें जो प्लास्टिड होता है यह तीन प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, ठीक। तो ल्यूकोप्लास्ट समझो, तो देखो जो अवर्णी लवक होता है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मतलब इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, मतलब ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक, कैसा होता है, यह रंगहीन होता है, और यह पौधों की जड़ों तथा भूमिगत तनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कि जो पौधे की जड़ होती हैं और तने होते हैं मतलब भूमिगत वाले में, उसमें पाया जाता है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट, तभी उनमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक। और ये क्या काम करता है, तो फूड स्टोरेज का काम करता है, खाद्य पदार्थों को संचित करने का काम करता है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट को भी तीन प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया एमाइलोप्लास्ट जिसको स्टार्च स्टोरेज काम करने का काम करता है, जो एमाइलोप्लास्ट होता है वह किसको स्टोरेज करने का काम करता है, स्टार्च स्टोरेज का। जो इलियोप्लास्ट है वह बीजों में पाया जाता है, यह क्या काम करता है, फैट स्टोरेज का, ये फैट को स्टोर करता है। और जो प्रोटीनियोप्लास्ट होता है वह किसको स्टोरेज किसको स्टोर करता है, तो प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक, ये ध्यान रखना। एमाइलोप्लास्ट किसको, स्टार्च को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट फैट को स्टोर करता है, और प्रोटीनियोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। अगला है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट मतलब क्रोमो मतलब क्या होता है, मतलब रंगीन या रंगीन वर्णक इसमें पाए जाते हैं, ठीक, तो इसमें यह कैसा होता है, इसमें रंगीन वर्णक पाए जाते हैं, और कौन कौन से, तो इसमें नीले, लाल व नारंगी वर्णक पाए जाते हैं, तो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, एक ब्लू कलर, रेड कलर और नारंगी कलर के होते हैं, ठीक। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो पौधों के पुष्पों के दल होते हैं, दल या पके हुए फलों में पाए जाते हैं, इसीलिए पके हुए फल कैसे कलर्ड दिखते हैं ना, येलो कलर से, वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। तो जो लाल रंग, लाल और नारंगी, तो लाल और नारंगी रंग के वर्णक है वह किसकी वजह से, तो कैरोटीन, तो लाल और नारंगी जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। और जो पीला रंग का पिगमेंट होता है उसमें क्या पाया जाता है, जेंटोफिल पाया जाता है, ठीक।
अब टमाटर लाल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसमें लाइकोपीन पाया जाता है और गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि टमाटर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? लाइकोपीन, और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, ठीक। और चुकंदर में क्या पाया जाता है? तो चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। तो टमाटर में क्या क्या पाया जाता है? तो लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, ठीक। अगला है तीसरा, सबसे क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हैं। हरित लवक क्या होता है? हरे रंग का लवक होता है, हरे रंग का प्लास्टिड होता है। इसमें हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पत्तियां हरी दिखाई देती है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे क्या होता है? खाना बनता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, तभी तो वो अपना भोजन बनाते हैं। अब उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से वो करते हैं? तो क्लोरोफिल में क्या होता है? एक मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, ठीक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक। क्लोरोफिल क्या करते हैं? प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। कौन? क्लोरोफिल। कौन कौन से रंग को? बैगनी, नीला और लाल रंग के प्रकाश को ग्रहण करता है, ठीक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसलिए पादप कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ सेल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, ठीक। और ये कैसे होता है? तो दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है, ठीक। ये कैसे होता है? देखो, ये दोहरी झिल्ली से बना हुआ है ना, दोहरी, और इसमें द्रव होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक। देखो, जो ये येलो कलर से है, इसको क्या बोलते हैं? जो द्रव है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक। और स्ट्रोमा में सैक लाइक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड कहा जाता है। और थैलाकॉइड के समूहों को क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं। ये सिक्के के आकार के जो ये पाए जाते हैं ना, ये क्या है? ये थैलाकॉइड ही तो है, ठीक। अब जब ये थैलाकॉइड एक ग्रुप में हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? ग्रेना कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि प्रत्येक थैलाकॉइड में ग्रेना की संख्या कितनी होती है, तो 40 से 60 होती है। कितनी होती है? 40 से 60 तक की होती है। और जो ये ग्रेना और स्ट्रोमा को जोड़ने वाली रचना को क्या बोला जाता है? ग्रेना को जोड़ने वाली रचना, जो ग्रेना को जोड़ रही है एक दूसरे से, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमली कहा जाता है, ठीक। थैलाकॉइड की झिल्ली पर क्लोरोफिल के अणु लगे होते हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। क्लोरोफिल के सेल सिर में, हेड में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अभी हमने बताया ना कि क्लोरोफिल के में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो वह कहाँ पाया जाता है? उसके हेड में पाया जाता है, ठीक। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। तो चलिए, आज टाइम भी हो गया, यहीं पे रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ सबको सभी समझ में आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी का कोई कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक, मिलेंगे कल हम इसी टाइम, और अपने दोस्तों को भी जोड़ना, जोड़िए, बताइए कि वहां पे क्लास चल रही है, लेके आइए, ठीक।